students, how are you? Fine. I am going to teach subject GK standard second. आज हम GK पढ़ेंगे standard second. हमारा कौन सा lesson है आज? Lesson number 3. कौन सा lesson पढ़ेंगे आज हम? Lesson number 3. क्योंकि first और second lesson हमने class और की notebook में लिख लिया है. First lesson हमारा कौन सा था? Colorful flowers. कौन सा था? कलरफुल फ्लावर्स. ये वाला लेसन हमने अपनी नोटबुक में लिख लिया है क्लास वर्क की. ठीक है, फिर लेसन नंबर सेकंड प्लांट्स क्विज. ये प्लांट्स दिए हुए थे उसके उनके विषय में हमको कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो हमने वो भी अपनी नोटबुक में हमने कंप्लीट कर लिया है. आज हम अपना लेसन नंबर 3 रीडिंग करने वाले. कौन सा लेसन नंबर 3? सब अपने टेक्स्ट बुक निकालेंगे. पेज नंबर 7 लेसन नंबर 3 स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट जीके. ओके, कौन सा है लेसन नंबर 3? क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. क्या है क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स? ये क्या है? दो वर्ड्स दिए हुए हैं. क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स का मतलब क्या होता है? ऊपर चढ़ना. क्लाइंबर्स मतलब ऊपर चढ़ना. और क्रीपर्स, क्रीपर्स मतलब रेंगना. क्रीपर्स मतलब रेंगना. ओके, देखो सब अपने टेक्स्ट बुक में. द प्लांट्स दैट हैव वीक स्टेम एंड क्लाइंब अप विद अ सपोर्ट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. क्या है प्लांट? जो प्लांट है वीक, उनकी जो स्टीम है, जो वीक है, स्टीम मतलब उनकी जो जड़ होती है, जड़, ये जैसे भी है इनकी जड़, तो ये वीक है, वो सपोर्ट के साथ ऊपर बढ़ते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स. द प्लांट्स दैट हैव वीक स्टीम एंड क्लाइंब अप विद अ सपोर्ट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. जो प्लांट है उनकी जो स्टीम है वो वीक है, वो क्लाइंब अप मतलब सपोर्ट के साथ ऊपर बढ़ते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स बोलते हैं. ओके, फिर देखो. सम अदर प्लांट्स हैविंग वीक स्टीम ग्रो अलोंग द ग्राउंड. सम अदर प्लांट्स, जो अदर प्लांट है उनकी जो स्टीम है वो वीक है, मगर वो ग्रो करते हैं, वो नीचे ग्राउंड में, जमीन पे ग्रो करते हैं. कहाँ पे करते हैं? जमीन में ग्रो करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स. क्या बोलते हैं? क्रीपर्स. क्लाइंबर्स और क्रीपर्स दोनों में जो उनकी स्टीम है वो दोनों की वीक है. क्या है? वीक है. ओके, वो दोनों ग्रो करती है. ये क्रीपर्स है, ये नीचे जमीन में ग्रो करती है. कहाँ पे करती है? नीचे जमीन में ग्रो करती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्रीपर्स बोलते हैं. और जो सपोर्ट के साथ धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स बोलते हैं. ओके, गिवन बिलो आर सम क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. आइडेंटिफाई द प्लांट्स एंड राइट क्लाइंबर्स और क्रीपर्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड. आपको आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ पिक्चर दी हुई है, उन पिक्चर को हमको पहचानना है कौन से क्रीपर्स है और कौन से क्रीपर्स है और कौन से क्लाइंबर्स है. ठीक है, उन पिक्चर को हमको पहचान के उनके नीचे नेम लिखने हैं और उनको लिखना है कौन से क्रीपर है कौन से क्लाइंबर है. ओके, फर्स्ट पिक्चर क्या है? ये कौन सी पिक्चर है? पम्पकिन. क्या है? पम्पकिन. वो क्या है? कद्दू है. क्या है? कद्दू. तो कद्दू क्या है? क्रीपर है. क्रीपर क्यों? क्यों क्रीपर है ये? क्यों? क्योंकि ये हैवी प्लांट है. क्या है? हैवी है. इस पे जो फल लगा हुआ है कद्दू वो हैवी है, और वो कहाँ पे ग्रो कर रहा है? नीचे धरती पे, ग्राउंड में ग्रो कर रहा है. कहाँ पे कर रहा है? नीचे जमीन पे ग्रो कर रहा है. तो ये क्या हुआ? क्रीपर हुआ. जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा कि उनकी वीक, वो स्टीम वीक है और वो नीचे ग्राउंड में ग्रो कर रहे, तो हम उनको क्या बोलते हैं? क्रीपर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्रीपर. ये कद्दू क्या है? कद्दू हैवी है, तो ये कि हैवी है तो इसकी स्टीम इनको जल नहीं पाएगी, इसके लिए ये इनको जमीन में ये रेंगते रेंगते बड़े होती है इनकी जो ये बेल है. ठीक है, तो ये क्या है? कद्दू क्रीपर में आता है. किस में आता है? क्रीपर में. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पम्पकिन. क्या लिखेंगे? पम्पकिन. देखो ये लिखा है मैंने PUMPKIN पम्पकिन. क्या है? PUMPKIN पम्पकिन. तो ये क्या हुआ? एक क्रीपर हुआ. क्या हुआ? क्रीपर. क्यों? क्योंकि ये नीचे जमीन में इसका ग्रो हो रहा है, इसके लिए क्या हुआ? क्रीपर हुआ. ओके, देखो एक बार.
पहले क्लाइंबर्स भी हम देख लेते हैं। क्लाइंबर्स में देखो ऐसे कोई मनी प्लांट दिया होगा, ठीक है, इसकी ऐसे ये मनी प्लांट ऐसे ग्रो करता है ऊपर, ये प्लांट ऐसे ग्रो करेगा किसी सपोर्ट के साथ, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, क्यों, क्योंकि इनकी जो स्टीम है ये पतली है, क्या है, वीक है, वीक क्या है, ये वीक है, इनकी जो स्टीम दी हुई है वो वीक है, उसको हम सपोर्ट के साथ उसको ग्रो होगा, हम इसको यहाँ पे सपोर्ट देंगे या कोई डोरी से बांधेंगे या यहाँ पे कोई लकड़ी रख के उससे बांध के इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो इसका ग्रो होगा, तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये क्या है, क्लाइंबर्स, क्या है, क्लाइंबर्स। उसी तरह क्रीपर्स में देखो, क्रीपर्स में हेवी फल लगते हैं, क्रीपर्स में क्या लगते हैं, हेवी फ्रूट लगते हैं और फ्रूट और सब्जी लगती है, तो क्रीपर्स में क्या होगा, अगर वो ऐसे ऊपर की तरफ ग्रो करेगा तो फल नीचे आके गिर जाएगा, इसके लिए हमेशा जो होता है क्रीपर्स वो नीचे ग्राउंड में ही उसका ग्रो होता है, कहाँ पे होता है, नीचे ग्राउंड में ही उसका ग्रो होता है, जैसे कि ये कद्दू है, वाटरमेलन है, ये सब कहाँ पे नीचे ग्राउंड में ही होते हैं। ये क्या है, इनकी स्टीम है, क्या है, इनकी स्टेम है, ओके, ये क्या है, क्रीपर्स है, क्यों, क्योंकि इनका ये ग्राउंड में ही ग्रो हो रहा है, तो ये क्या है, हमारा क्रीपर्स है। दोनों में क्या है, दोनों में क्या अलग हुआ, वीक, इनकी जो स्टीम है ये वीक है, ठीक है, ये ऊपर सपोर्ट के साथ आगे बढ़ती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं, और क्रीपर्स में क्या है, जो क्रीपर्स में जो वेल में जो फल लगते हैं या फ्रूट या सब्जी लगती है वो नीचे ग्राउंड में ही ग्रो करती है, क्यों, क्योंकि अगर इतना बड़ा कद्दू कितना बड़ा होता है, वाटर मेलन कितने केजी का होता है, 5 और 4 केजी का होता है, तो वो ऊपर कैसे जाएगा, वो तो नीचे ही आके गिर जाएगा, इसके लिए उनका ग्रो कहाँ पे होता है, नीचे ग्राउंड में ही होता है। मनी प्लांट को वेट में एकदम लाइट वेट है, तो वो सपोर्ट के साथ आगे बढ़ सकता है, ओके। इसी तरह क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में ये दोनों में डिफरेंस है, ओके। फिर देखो ये जो हमने पहला फर्स्ट देखा पिक्चर कौन से थे, पम्पकिन, कौन सी थी, पम्पकिन, तो वो किसमें आया, क्रीपर्स में आया, क्यों, क्योंकि वो हैवी है, उसका वेट हैवी है, इसके लिए वो नीचे ग्राउंड में ग्रो करता है, ये क्रीपर्स में क्या आएगा, पम्पकिन। फिर ये देखो पी दिख रहा है, पी क्या है, मटर, ये क्या है, मटर की वेल छपी हुई है ऊपर, ये क्या है, मटर की वेल लगी हुई है, तो मटर ऐसे लटक रहे हैं प्लांट में, तो ये क्या हुआ, क्लाइंबर्स, क्या हुआ, क्लाइंबर्स, क्यों, क्योंकि ये वेट में है, लाइट है, ओके, क्योंकि ये आसानी से ग्रो कर सकते हैं सपोर्ट के साथ, तो ये क्या लगे हुए, इसमें पीस लगे हुए, क्या, पीस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी के पी, फिर यहाँ पे नीचे लिखेंगे क्लाइंबर्स, ओके। इसी तरह से थर्ड देखो क्या है, ये कौन बताएगा, खाया है आप सबने, मैंने भी खाया हुआ है, क्या है ये, ग्रेप वाइन, क्या है, ग्रेप वाइन, अंगूर है, क्या है, अंगूर की वेल है, क्या है, अंगूर की वेल, ये जो अंगूर है वो उसकी जैसे पूरा गुच्छा आता है ना वो लगा हुआ है, तो वो किस पे लगा हुआ है, क्लाइंबर पे, किस पे, क्लाइंबर पे, क्यों, क्योंकि ये तो वेट में हल्का है तो ये आसानी से ग्रो कर सकता है और इस तरह से झुमके में ऐसे लटक सकता है पूरे वेल पे, तो ये क्या हुआ, ग्रेप वाइन, क्या है, इस पिक्चर का नाम क्या है, ग्रेप वाइन, और वो किस में आता है, क्लाइंबर में आता है, ओके। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्री और ग्रेप वाइन। फिर ये देखो मनी प्लांट, ये आपको दिख रहा है वो कैसे यहाँ पे ये जाली लगी हुई है, ये इसकी स्टीम हमको दिख रही है, ये इसकी लीव्स हमको दिख रही है, ये कैसे सपोर्ट के साथ धीरे 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 आगे ग्रो कर रही है, क्यों, क्योंकि इनकी स्टीम वीक होती है, इसके लिए इनको सपोर्ट की जरूरत होती है, तो ये क्या हुआ हमारा, क्लाइंबर हुआ, क्या हुआ, क्लाइंबर्स। ये कौन सा प्लांट है, मनी प्लांट है, कौन सा प्लांट है, मनी प्लांट, आप सबके घर पे भी है ना मनी प्लांट, देखना वो कैसे एकदम वेट में एकदम लाइट होता है और कैसे धीरे धीरे वो ग्रो करता है, और उनकी जो स्टीम होती है वो भी एकदम पतली सी होती है। फिर ये क्या है, वाटर मेलन, क्या है, वाटर मेलन, वाटर मेलन किस में आएगा, क्रीपर में आएगा, किस में आएगा, क्रीपर में, क्यों, क्योंकि ये वेट में बहुत हैवी है, कितने केजी का होता है वाटर मेलन, 5 केजी 4 केजी 3 केजी, तो वो वेल पे तो लटक सकता नहीं है, क्यों, क्योंकि वेल के साथ आके नीचे गिरेगा, इसके लिए ये क्या है, क्रीपर है, क्या है,
क्रीपर, तो ये क्रीपर में आएगा वॉटरमेलन, वो नीचे धरती पे ही ग्रो करेगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं वॉटरमेलन, वो आएगा क्रीपर में। ओके, फिर ये क्या है कुकुम्बर, क्या है कुकुम्बर, कुकुम्बर मतलब काकड़ी, ये दिख रही है आपको कुकुम्बर, कुकुम्बर किसमें आया है क्रीपर में है, किसमें है क्रीपर में, ये क्यों कुकुम्बर, क्योंकि ये भी वेट में हैवी होती है कुकुम्बर भी, तो ये जैसे लटकती है क्योंकि ज़्यादा देर तक ऐसे लटकेगी तो वो कभी भी आके गिर सकती है, इसके लिए वो धरती से जमीन पे ही ग्रो करती है। ओके, वो जो नीचे ऐसे ग्राउंड दिया होता है वो ऐसे ग्राउंड पे ही उनका ग्रो होता है, तो ये क्या है कुकुम्बर, क्या है कुकुम्बर। फिर ये देखो ब्रॉड क्रीपर, ये क्या है ब्रॉड, ब्रॉड मतलब आपको ये दिख रही है तू भैया, ये जैसे ये लटक रही है कुकुम्बर, इसी तरह से ये ब्रॉड है, ये दूधी भी हम इसको बोल सकते हैं। ओके, तुरैया भी बोल सकते हैं हम इसको, तो ये इस तरह से नीचे लटक रही है, ठीक है, देखो नीचे टच हो रहा है ना, क्यों क्योंकि ज़्यादा लंबाई पे नहीं जा सकती, क्यों क्योंकि इसका वेट हैवी होता है इसके लिए, तो ये हमारा क्या हुआ क्रीपर हुआ। फिर ये क्या बीटर ग्रोथ, बीटर ग्रोथ मतलब करेला, करेला देखा है आप सब ने, खाया भी है, जो करेले हैं उनका भी वजन तो होता ही है, ठीक है, तो वो हमारा क्या आया करेले की बेल होती है, क्या होती है करेले की बेल, कुछ ऐसे पतले होते हैं ऐसे उनकी बेल ऐसे जाती है, फिर इन पे ऐसे छोटे छोटे करेले लगते हैं, तो ये क्या है ये बेल के मार सपोर्ट के साथ वो आगे बढ़ती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं क्लाइंबर्स, क्या बोलते हैं क्लाइंबर्स, क्यों क्योंकि ये बीटर ग्राउंड है वो बेल पे ग्रो करते हैं। ओके, पता चला, ये हमारा लेसन है, लेसन नंबर क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, लेसन नंबर 3 क्लाइंबर एंड क्रीपर्स। ओके, एक बार हम रिविजन कर लेते हैं पूरा लेसन, द प्लांट दैट हैव वीक स्टेम एंड क्लाइंब अप विद द सपोर्ट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, जो प्लांट है उनकी स्टीम वीक है और वो सपोर्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो उसको हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। Some other plants having weak stem grow along the ground, the known as creeper, जो प्लांट है उनकी स्टीम वीक है और वो धरती पे ही जमीन पे मतलब उनका जो ग्रो हो रहा है तो उसको हम क्रीपर्स बोलते हैं। ऐसे कुछ फल है, कुछ सब्जियां हैं जो अलग अलग है, जो क्रीपर्स में आती है और क्लाइंबर्स में आती है। देखो फर्स्ट हमने क्या देखा क्रीपर्स, क्रीपर्स में क्या आया पंपकिन, क्यों क्योंकि वो नीचे धरती, क्यों क्योंकि वो नीचे जमीन पे ग्रो कर रहा है ग्राउंड पे और वो वेट में हैवी है, तो वो क्या हुआ पंपकिन, वो कौन सा फल है ये पंपकिन, तो ये किस में आएगा क्रीपर में आएगा। फिर उसी तरह से वॉटरमेलन, ये भी हैवी है तो ये भी किस में आया क्रीपर्स में आएगा। ओके, फिर कुकुम्बर और ग्राउट, ये दोनों भी हमारे क्रीपर्स में आएंगे। ओके, ये है क्रीपर्स के लिए, क्लाइंबर्स, क्लाइंबर मतलब जो बेल पे उठता है, ये क्या है पी, क्या है पी, पी मतलब मटर, तो इनकी बेल बनी हुई है जो ऊपर से लटक रहे हैं, आपने देखा ना अपने टेक्स्ट बुक में, देखो पिक्चर नंबर 2 आपको दिख रहा है, ये जो ऐसे लटक रही है पीस की बेल है, तो ये कहाँ है क्लाइंबर्स में आया, किसमें आया क्लाइंबर्स में। इसी तरह से ग्रेप वाइन, अंगूर के जो गुच्छे जो लटकते हैं ना इस तरह से, ऐसे ही अंगूर के गुच्छे लटकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं ग्रेप वाइन, क्या बोलते हैं ग्रेप वाइन। फिर मनी प्लांट, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मनी प्लांट धीरे धीरे करके ग्रो करता है। ओके, और बीटर ग्राउंड, करेले की बेल आती है ना वो भी इस तरह से खड़ी होके सपोर्ट के साथ, मतलब उसको डोरी बांधे तो डोरी के पे ऐसे, उन डोरी पे ऐसे लिपटा के ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो हम उसको क्या बोलते हैं क्लाइंबर्स। ओके, ये आज का हमारा था क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, ये जो मेरे दो इस तरह से लिखे हैं पार्टीशन करके वो आपको अपनी क्लास वर्क के नोटबुक में लिखना है, किसमें लिखना है अपनी क्लास वर्क के नोटबुक में लिखना है, इनके नेम क्रीपर्स में क्या क्या आता है और क्लाइंबर्स में क्या क्या आता है, ये दो आपको आपकी क्लास वर्क की नोटबुक में लिखने हैं। जैसे कि हमने पहले अपने लिखा है क्लास वर्क की नोटबुक में लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2, वो दोनों हमने लिखा है, इसी तरह से ये लेसन नंबर 3 में ये क्रीपर्स और क्लाइंबर्स हमको अपनी क्लास वर्क की नोटबुक में लिखनी है, ठीक है, और उसके बाद सेम ही है ये आपको टेक्स्ट बुक में भी लिख देनी है, ठीक है। एक्सरसाइज यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 3 कंप्लीट होता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।